वानाक्राई वायरस से बचने के लिए सभी बैंकों को एटीएम बंद रखने के लिए बोला है, क्योंकि ज्यादातर एटीएम भारत के पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहे हैं। ऐसे में अभी आप भी अपना एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट से पेमेंट करने से बचे और किसी भी बैंक के इंटरनेट से बैंकिंग लॉगिंग न करें, वरना आप भी वानाक्राई वायरस का शिकार हो सकते हैं। शुक्रवार को हुए साइबर अटैक में 150 देश में 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहा है, इसकी संख्या बढ़ने की संभावनाएं भी ज्यादा होती जा रही हैं। इस अटैक में सबसे ज्यादा प्रभावित ब्रिटिश हॉस्पिटल और स्पेन की कंपनी टेलीफोनिका हुई, जहां ब्रिटिश के कंप्यूटरों ने काम करना बंद कर दिया, वहीं अस्पताल के सारे कामकाज ठप हो गए। आइए बताते हैं साइबर अटैक क्या होता है। इसमें वायरस आपके कंप्यूटर के सभी डेटा को लॉक कर देता है और आपको अपने डेटा को ऑन नहीं करने देता है। ये फैलता कैसे है, ये भी हम आपको बताते हैं। वानाक्राई रैनसमवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर में दाखिल हो जाता है जब आप इंटरनेट पे कोई गलत लिंक क्लिक करते हैं या डाउनलोड करते हैं। फिर ये आपको अपने कंप्यूटर को एक्सेस नहीं करने देता है और आपसे एक फिरौती की रकम मांगी जाती है, उसे आपको देना होता है। उसे देने के बाद ही आप अपना कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। अगर आप फिरौती की रकम नहीं देते हैं तो यह वानाक्राई वायरस आपके डेटा डिलीट कर देता है। वानाक्राई का प्रभाव सबसे ज्यादा यूरोप देशों पर हुआ है, उन कंप्यूटर्स पर भी हुआ है जो एसपी ऑपरेटिंग सिस्टम पर यूज होते हैं। चलिए इससे बचने का तरीका भी हम आपको बताते हैं। दोस्तों, कोई भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें। कोई भी मेल जिसे आप नहीं जानते हो उसे ओपन नहीं करना है आपको। अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट करके रखें। अभी तक भारत में इस वायरस का ज्यादा प्रभाव नहीं दिखाई दिया है। दोस्तों, इस वीडियो के मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे हम सभी लोग इस वानाक्राई वायरस के होने वाले नुकसान से बच सके और वानाक्राई वायरस फैलाने वाले अटैकर्स को मुंह तोड़ जवाब दे सके। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।